तो कैसे हो मेरे भाई। मेरा नाम है प्रकाश नारायण, आपका स्वागत है फिल्मी फैंस के एक और रिव्यू वीडियो में। तो भाई फाइनली आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल 2 सिनेमाघरों में लग चुकी है और भाई इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग देखने को मिलते हैं। कह सकते हैं कि इस फिल्म में लगभग 20 से 25 ऐसे कलाकार देखने को मिलते हैं और सभी के सभी काफ़ी अच्छा है। वही अगर बात करें इसके कास्ट की तो भाई इसमें ढेर सारे आपको कलाकार देखने को मिलते हैं। इसमें आपको आयुष्मान खुराना, अनन्या पांडे, विजय राज, परेश रावल, अनु कपूर, राजपाल यादव, ये सारे कलाकार आपको देखने को मिलते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करें यह मूवी कैसी है, आपको देखने में कैसी लगेगी। तो भाई मैं कहूँ कि यह एक डिसेंट और एक एवरेज टाइप की मूवी निकल के आती है। अगर आपने ड्रीम गर्ल 1 देखा होगा तो आपको पता होगा कि इसकी स्टोरी किस तरह की होती है। थोड़े बहुत रोमांटिक सीन देखने को मिलते हैं, थोड़ी बहुत कॉमेडी भी देखने को मिलती है, तो उसी टाइप की ये भी फिल्म है। लेकिन इस फिल्म की गड़बड़ यह है कि इसमें बहुत सारे कहानियों को एक साथ लाने की कोशिश की गई है। इसमें इतने सारे लोगों को कास्ट किया गया है कि भाई हर एक की स्टोरी को दिखाना काफ़ी आपको जल्दीबाजी टाइप का लगता है और स्टोरी इस तरह से भागती हुई नजर आती है कि आपको लगता है कि भाई एक सीन के बाद एक सीन चले जा रहे हैं और वही उसके साथ जो कॉमेडी आपको देखने को मिलती है वो कहीं ना कहीं एक ठहराव के साथ वो आपको थोड़ा सा कमज़ोर फील होती है। इसकी स्टोरी में बिल्कुल भी ठहराव नहीं है और एक के बाद एक सिचुएशन गुजरता हुआ जाता है और कहीं ना कहीं वहाँ पर जो कॉमेडी यूज होती है कभी आपको अच्छी लगती है, कभी आप बेमतलब की साबित होती है और आपको लगता है कभी कभी कि भाई ये फिल्म किस लिए बनाई गई है और ये सब चल क्या रहा है। तो अगर बात करें फिल्म की स्टोरी की तो भाई बिना किसी स्पॉइलर के अगर मैं बताना चाहूँ, आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर है जो कि अनन्या पांडे के कैरेक्टर से प्यार करता है। अनन्या पांडे के पिता की शर्त होती है कि भाई ये लड़का तो फकीर है, इसको अगर शादी करना है तुमसे तो भाई कम से कम इसको अपने बैंक अकाउंट में 25 से 30 लाख रुपये जमा करने होंगे। तो भाई यही शर्त को पूरा करने के लिए आयुष्मान खुराना लग जाते हैं और उनको बाद में पूजा का कैरेक्टर धारण करना पड़ता है और बाद में सिचुएशन कुछ इस प्रकार से बिगड़ जाती है। पूजा के पीछे कई लोग पड़ जाते हैं और उन सभी को खुश करने के लिए अलग अलग सिचुएशन तैयार होती है और उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर यह फिल्म आगे गुजरती है और लास्ट में आपको भयंकर क्लाइमेक्स देखने को मिलता है, जो कि कह सकते हैं कि क्लाइमेक्स का जो पार्ट है वो मेरे लिए मतलब अच्छी थी और वो पार्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो वो कहीं ना कहीं आपको सीरियस फील होता है और वहाँ पर जितने भी डायलॉग यूज किए गए हैं वो सारे डायलॉग आपको अच्छे फील होते हैं, तो वो बढ़िया पार्ट था। वही अगर बात करें कास्ट की परफॉर्मेंस की तो भाई सारे कलाकारों का परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही था और इसमें काफ़ी लंबे चौड़े कास्ट देखने को मिलते हैं। तो भाई सबका तो नाम नहीं लूँगा लेकिन कह सकते हैं कि आयुष्मान खुराना उनका रोल कह सकते हैं कि ठीक ठाक ही था क्योंकि भाई इसकी स्टोरी जिस प्रकार की लिखी गई है इसमें जितने भी कास्ट है, चाहे बात करें परेश रावल की, चाहे बात करें अनु कपूर की, चाहे बात करें आयुष्मान खुराना की, ये सारे कलाकार जो हैं वो काफ़ी बेहतरीन है। लेकिन इस फिल्म की स्टोरी कुछ इस प्रकार की है, इसके डायलॉग कुछ इस प्रकार के हैं, वो उतने इम्पैक्टफुल साबित नहीं होते हैं और आपको डिसेंट सी मूवी देखने को मिलती है। वही अगर बात करें कॉमेडी की तो भाई यह कॉमेडी मूवी के तौर पर हमें देखने को मिलती है। तो भाई कॉमेडी कभी कभी काम करती है, कभी कभी आपको डेफिनेटली हंसी आती है, बहुत जगह ऐसा भी है कि कॉमेडी आपको बेअसर साबित लगती है। तो ओवरऑल बात करें पूरी फिल्म की तो भाई ड्रीम गर्ल 2 एक एवरेज सी डिसेंट सी देखने लायक फिल्म है। अगर आप आयुष्मान खुराना के फैन हैं और आप एक कॉमेडी मूवी देखना चाहते हैं तो यह मूवी लास्ट तक आपको एक ठीक ठाक वाली फीलिंग दे जाती है। तो लास्ट में बात करें इस फिल्म को रेटिंग देने की तो मैं इस फिल्म को 10 में से 5 की रेटिंग देता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आपका कोई भी सुझाव तो कमेंट में जरूर लिखिए और भाई नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और रिव्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।